ओम शांति। हम आत्माएं अपने असली स्वधर्म में स्थित हो जाएंगी, मस्तक के बीच मैं आत्मा विराजमान हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा। महसूस करेंगे मुझ आत्मा से व्हाइट कलर की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। ये सफेद किरणें चारों ओर फैलते हुए मुझ आत्मा से प्रकाश फैलाते मेरे इस पूरे शरीर में भी फैल जाती है, और ये हड्डी मांस का शरीर एक लाइट के फरिश्ते रूप में परिवर्तन होने लगा है। मस्तक से लेकर पैरों तक इस हड्डी मांस के शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और ये प्रकाश चारों ओर फैलकर एक सुंदर वातावरण भी बना रहा है। अपने को महसूस करना जैसे ही ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया, हड्डी मांस का ये शरीर लोप हो गया और रह गया मैं फरिश्ता, प्रकाश का फरिश्ता। अब मैं फरिश्ता अपने को स्वमान देता हूं, मैं बाबा का सहयोगी फरिश्ता हूं। बाबा ने मुझे अपने इस सुंदर कार्य के लिए चुना है, और मैं फरिश्ता उड़ चला अपने सहयोग की शक्ति, अपना प्रकाश चारों ओर फैलाने के लिए। उड़ गया मैं फरिश्ता इस कमरे से बाहर आसमान की ओर, चमकता हुआ फरिश्ता चारों ओर मुझसे बहुत सुंदर प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश फैलाते मैं फरिश्ता पहुंच गया
अपने सूक्ष्म वतन जहां बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे मीठे लाल, आओ। मैं बाबा के पास जाता हूं। बाबा प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहे हैं। और नजदीक गया मैं फरिश्ता, बाबा का चेहरा और खिल गया, और बाबा का वो नैन मिलन मुझे शक्ति देना, मुझे प्यार करना, दृष्टि देना, एकदम चार्ज कर दिया। बाबा ने मस्तक पर विजय का तिलक दिया, सदा विजयी भव, सदा सहयोगी फरिश्ता भव। मैं बाप दादा के साथ उनका हाथ पकड़कर चलता हूँ विश्व सेवा की ओर। बाबा के साथ बाबा का हाथ थामे शक्ति देने, प्यार लुटाने, सहयोग देने मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूं विश्व ग्लोब पर। सुप्रीम शक्ति के साथ मैं फरिश्ता इस पूरे विश्व को, इस पूरे ग्लोब को शक्ति, प्यार, शांति की किरणें दे रहे हैं। महसूस करना मुझसे और बाप दादा से पावरफुल किरणें इस पूरे ग्लोब में समा रही हैं। पूरा ग्लोब इस परमात्म लाइट से चमक गया। और ये किरणें फैलाते फैलाते जैसे कि हर आत्मा को वो सुख, वो शांति, वो सच्चा सहयोग अनुभव हो रहा है जो आज हर आत्मा को चाहिए, जो प्यासी नजरों से आज हर आत्मा उस परमपिता परमात्मा की ओर देख रही है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो शक्ति उनके अंदर और शक्ति भर रही है।
बाप दादा का हाथ पकड़े, अब मैं फरिश्ता ग्लोब के अंदर इस विश्व में आ जाता हूं। और सबसे पहले प्रकृति को सहयोग की शक्ति प्रदान करता हूं। प्रकृति जैसे ये पावन किरणें रिसीव कर गए एकदम शक्ति शाली अनुभव कर रही है, उनके अंदर पवित्रता का बल परमात्म शक्ति का बल पावरफुल रहने का सहयोग दे रही है। प्रकृति को ये शक्ति देते हुए मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूं मधुबन, वो पावन भूमि जो भगवान की धरनी है। बीज है वो धरती और उस धरती पर आकर मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ एक एक ब्राह्मण आत्मा को सच्चे परमात्म सहयोग की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। हर ब्राह्मण आत्मा जो कमजोर हो गई है, जो शक्तिशाली अनुभव नहीं करती, जो उमंग उत्साह से कम हो गई है, हर उस ब्राह्मण आत्मा को मैं फरिश्ता वो परमात्म बल वो परमात्म शक्ति का सहयोग दे रहा हूं। जो आत्माएं चलते चलते दिल से वंचित है, दिल शिकस्त हो गई है, बाबा के प्यार को महसूस नहीं कर पा रही है, ये पावन भूमि से पावरफुल तिरंगे पावरफुल किरणें हर ब्राह्मण आत्मा को पहुंच रही है और उन्हें उड़ा रही है बाबा के और नजदीक डाल रही है, बाबा से प्यार बढ़ा रही है। और अपना वो लक्ष्य हर ब्राह्मण आत्मा सामने महसूस करती है और अपना ये कर्तव्य पूरा करते मैं फरिश्ता उड़ चला वापस सूक्ष्म वतन की ओर।
वो किरणें फैलाते, वो प्यार देते, वो सहयोग देते बाप दादा के साथ वतन की ओर।